देखो, हमने सरकार को साथ दिया था इसलिए क्योंकि हमने कुछ शर्तें रखी थी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त हमारी एक मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में, और उन्होंने कहा कि आप गठबंधन में आओ, तो हमने शर्तें किसानों के लिए ये रखी थी कि एक तो जो लागत आयोग है, कृषि मूल्य आयोग है, वो ऑटोनोमस होना चाहिए ताकि उसका रिकमेंडेशन अनिवार्य होगा जिस तरह से चुनाव आयोग है। दूसरी शर्त रखी थी कि सिंचाई के लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार इतनी मजबूत है नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि जो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन है उसके तहत लागत से 1.5 गुना समर्थन मिलना चाहिए। इन्होंने तीनों शर्त मान लिया और अपने मैनिफेस्टो में भी उसका जिक्र किया और कहा कि हम ये करेंगे, इसलिए हमने उनके साथ गठबंधन किया और लोगों के पास जाके NDA को वोट देने के लिए अपील की थी। लोगों ने वोट दिया, किसानों ने ज़्यादा तो भारी भक्कम उनको बहुमत दिया, तो उनकी जिम्मेदारी थी वो आश्वासन पूरा करने की। लेकिन 4 साल में उन्होंने आश्वासन तो भूल गए, सिर्फ किसानों को की बात करते रहे और दुगने आय की भाषा आप करने लगे, लेकिन कर्जा दुगना हो गया, आय तो दुगनी नहीं हो रही है। इसलिए हमने देखा कि ये तो किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इसलिए हम राजनीति किसानों के लिए करते हैं और किसान के साथ अगर विश्वासघात होता है तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको छोड़ दिया। पूरे देश में अगर हम देखें, यूपी का किसान उठा ले, मध्य प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का तेलंगाना, हर जगह किसानों की स्थिति इस समय दयनीय है, किसान मरने पे आतुर हो चुका है क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते। इनकी जो नीतियाँ रही है वो किसानों को बचाने की है ही नहीं है। कारपोरेट कंपनियां और उपभोक्ताओं को नज़र में रखकर उन्होंने जो पॉलिसी बना ली है उसका ये नतीजा है क्योंकि पिछले 4 सालों में हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्ट बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट घट चुकी है। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि किसानों के से ज़्यादा ये चिंता करते हैं उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की, और इसलिए किसान मर रहा है। आज 20-25 हज़ार कर्जे के लिए अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो एक अच्छी सी अच्छी भैंस खरीदने के लिए आज 1 लाख की ज़रूरत होती है, तो क्या एक भैंस की कीमत 4 किसान होगी? तो किसान गुलाम हो गए इस देश का, किसान कोई इंसान नहीं है? फिर भी इस तरह से कीड़ों मकोड़े की तरह अगर किसान मरता है और इनको कुछ उसकी शर्म नहीं आती है तो यही हालत होगा। इसीलिए तो हमने पूरे देश के किसानों को एक करके इनके खिलाफ संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार बजट को बोला गया कि किसानों का बजट है, सिर्फ भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन योजनाएं वही की वही है। इन्होंने भाषण में सिर्फ किसान का नाम लिया है, क्या कहा है किसान बजट में? इन्होंने जो एग्रीकल्चर के लिए आवंटन बढ़ाया 4,500 करोड़ रुपए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकम तो बीमा कंपनियों को जाएगी और कुछ ड्रिप कंपनियों को जाएगी। जो जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ वो पैसा नहीं दे रहे, गांव में कई बुनियादी सुविधा की आवश्यकता है उसके लिए पैसा नहीं दे रही है, भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है उसके लिए नाबार्ड की जो योजना परियोजना थी वो उन्होंने बंद कर दिया। पहले तो नाबार्ड वेयर हाउस बनाने के लिए सब्सिडी देती थी, वो बंद हो गया परियोजना। वेयर कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा नहीं दे रही है, पैक हाउस के लिए नहीं दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी लेकिन सिर्फ 1400 करोड़ की उन्होंने उसके लिए आवंटन दिया है। और सिंचाई के लिए 2600 करोड़, पूरे देश के लिए 2600 करोड़ कैसे करेंगे? क्योंकि ये गडकरी साहब हमारे एक सड़क का घोषणा करते हैं तो उसकी कीमत होती है 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, और पूरे देश के लिए सिंचाई के पैसा कितना? 2600 करोड़। एक राज्य को 100 करोड़ भी नहीं आता, तो ये गंभीरता से बजट बनाया ही नहीं इन्होंने। सर, ये अब जो 2019 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी सरकार के साथ? तो इसी तरह से इनका बर्ताव रहेगा और ये सुधरेंगे नहीं,
तो 2019 के बाद ये फिर सत्ता में ना आए, यही हमारी कोशिश रहेगी। सर आप क्या चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2019 में? ईवीएम के बारे में तो हर एक के मन में शक है, शंका है और लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हमारी मांग है।